स्टेज पे वरिष्ठ नेता पर्सनालिटीज, भाइयों और बहनों, आप सब यहां आए, अच्छा डिस्कशन हुआ और इतने एंथुजियाज्म से आप मेरी बात सुनने के लिए आए, दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अनिल जैन जी ने अभी कहा कि मेरे परिवार के लोग ग्वाला थे और उन्होंने कहा कि पैदा होने पर ही मेरा फ्यूचर तय हो जाता था। मैं उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। पैदा होने से पहले आपका फ्यूचर तय हो जाता था। आप पैदा ही नहीं हुए, आपकी कैपेबिलिटी भी नहीं मालूम, आपका नाम भी नहीं मालूम, आपका फ्यूचर तय हो जाता था। और हिंदुस्तान के सारे लोगों को छोटे छोटे खांचों में डाल दिया जाता था। आप इस काम के लायक हो, आप इस काम के लायक हो, आप इस काम के लायक हो, ये आप कभी नहीं कर सकते हो, ये आप कभी नहीं बोल पाओगे। आपके पैदा होने से पहले डिसीजन लिया जाएगा कि आपको कोई छुएगा नहीं, आप कभी जमीन नहीं खरीद पाओगे। तो ये सारा पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो जाता था। और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने, अरबों लोगों ने हजारों साल इस प्रकार जिंदगी जी है। उन्होंने अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं किया, समाज ने उनके लिए पैदा होने से पहले उनका फ्यूचर डिसाइड कर दिया। तो आप सोचिए कितना दुख, कितना दर्द, कितनी कैपेबिलिटी जाया हुई। और इस चीज को बदलने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए, हिस्टोरिकली लिस्ट है। जैन जी ने उनके नाम लिए, मगर सब के सब ने एक ही बात की थी, जो सच्चाई थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमें यह दिख रहा है कि यह सच्चाई है और इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। दो तरीके के लोग होते हैं राजनीति में, तो खासतौर एकदम दिख जाता है। पूरी जिंदगी सत्ता के पीछे दौड़ते 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 सच्चाई को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, ना अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं, ना अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं, ना किसी और की सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं। उनको सिर्फ एक चीज दिखती है कि किसी ना किसी तरह मेरे हाथों में इन्फ्लुएंस आ जाए, सत्ता आ जाए, बाकी सब छोड़ो। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कहते हैं ये सच्चाई है, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर मुझे जो दिख रहा है उस बात को मैं पूरी तरह एक्सेप्ट कर रहा हूं। और अलग अलग समाज में अलग अलग जगह से ये लोग आए, अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, पेरियार, बसवना,
बुद्धा, ये अलग 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 स्पेसेस से आए, मगर इन सब ने ये बात एक्सेप्ट की कि जो मैं देख रहा हूं ये सच है और मैं इसको छोड़ने में छोड़ूंगा नहीं। हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हुई, मगर 3000 साल में सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट ये है। और इसमें इसमें आप कहते हो कि ये संविधान अंबेडकर जी ने दिया, और उसमें सच्चाई है, अंबेडकर जी ने दिया, गांधी जी ने दिया, मगर ये एक सोच है, ये अंबेडकर जी से पहले भी थी, इसमें बुद्धा भी हैं, इसमें बसवन्ना जी भी हैं, इसमें पेरियार हैं, इसमें गांधी हैं, और सिर्फ वो नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम किसी ने सुने भी नहीं, वो इसी चीज के लिए लड़े थे, किसान थे, मजदूर थे, नाई थे, बढ़ई थे, इसके लिए लड़े, उनका नाम आज हम नहीं जानते, मगर उनकी उनकी सोच इसमें है। तो जो भी मेरा कहना है, जो भी हिंदुस्तान में अन्याय की सच्चाई को एक्सेप्ट करता है उसकी सोच इसमें है। और इसने करोड़ों लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो फाउंडिंग फादर्स की एक्सपेक्टेशन थी, जो महात्मा गांधी की एक्सपेक्टेशन थी, जवाहरलाल नेहरू की एक्सपेक्टेशन थी, अंबेडकर जी की एक्सपेक्टेशन थी, उससे कम लोगों को इस किताब का फायदा हुआ है। तो सक्सेस है मगर फेलियर भी है, ओवरआर्चिंग सक्सेस नहीं है। सिंपल सी बात है, इसको लोग कहते हैं कि ये राइट्स का डॉक्यूमेंट है, अधिकार का डॉक्यूमेंट है, इससे हमें लोकतांत्रिक अधिकार मिलता है, सही, मगर ये ट्रांसफर ऑफ पावर का भी डॉक्यूमेंट है, ये ट्रांसफर ऑफ एसेट्स का भी डॉक्यूमेंट है, ये ट्रांसफर ऑफ वेल्थ का भी डॉक्यूमेंट है, ये ट्रांसफर ऑफ स्किल्स का भी डॉक्यूमेंट है। अब अगर हम हिंदुस्तान को आज देखें, और मैं 15-20-30-40-50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं, और अगर आज हम अपने देश को देखें, 95% लोग पिछड़े वर्ग के, अप्रोक्सीमेटली 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, उसमें आप 5% गरीब जनरल कास्ट जोड़ दीजिए, 95% लोग। आप मीडिया में देखिए, मीडिया कोई मामूली औजार नहीं है, ये नैरेटिव बनाता है, देश का नैरेटिव बनाता है, पूरे देश का, पूरे देश के नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करता है। यहां बड़े बड़े पत्रकारों में, जर्नलिस्ट में, मीडिया ओनरशिप में आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब बात अच्छी लगे ना लगे, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। और छुपे तरीके से ये किया जाता है,
सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में 90% के लिए रास्ते खुलते थे, ज्यादा नहीं खुलते थे मगर खुलते थे। आज 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, उनकी जो बड़े बड़े सैलरी करोड़ों रुपए वाली सैलरी वाले लोग हैं उनकी लिस्ट निकालिए, दिखा दीजिए कौन सा पिछड़ा है वहां पे, कौन सा दलित है, कौन सा आदिवासी है, कौन सा गरीब जनरल कास्ट का है, दिखा दीजिए। जुडिशरी में भी यही, सरकार में भी यही। और जो सच्चाई है वो छुपा दी जाती है। अग्निवीर स्कीम, अग्निवीर स्कीम में नुकसान किसका हुआ है आपने कभी सोचा? सिंपल, एससी एसटी ओबीसी गरीब जनरल कास्ट, अग्निवीर सीनियर लेवल पे नहीं है, अग्निवीर जवान के लिए है। और दो तरीके के शहीद बनाए जा रहे हैं, तो जहां भी देखो 90% तो है ही नहीं। अब मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि सब कुछ छोड़ दीजिए, सच्चाई तो देख लीजिए, जाति जनगणना कर लीजिए, अगर जो मैं बोल रहा हूं गलत है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यह तो पता लगाइए कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, यह तो पता लगाइए, कौन सी संस्थाओं में है, कहां हैं, कोर्ट्स में कितने हैं। और रिएक्शन आता है कि नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा, इससे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को हिंदुस्तान की सच्चाई पता लगेगी, यही होगा, इस सच्चाई से लोग क्यों डर रहे हैं? देखिए, अगर हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है, जो मोदी जी सुपर पावर की बात करते हैं, तो 90% आबादी के बिना तो हो ही नहीं सकता ना, कैसे होगा? आप ये कह दो कि भैया ब्यूरोक्रेसी में 90% नहीं आएंगे, मीडिया में 90% नहीं आएंगे, स्पोर्ट्स में 90% नहीं आएंगे, ब्यूटी पेजेंट्स में 90% नहीं आएंगे, तो कौन सा सुपर पावर बनने वाला है? मतलब आप अपनी 10% आबादी का सुपर पावर बनाओगे क्या? मतलब कौन सी दुनिया में हो आप? सुपर पावर, सुपर पावर तो 90% है। अब इस पर आक्रमण हो रहा है, मोदी जी कहते हैं मैं कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। जब आप सीबीआई और ईडी को राजनीति और लोकतंत्र पर, जब आप सीबीआई और ईडी को लेकर राजनीति और लोकतंत्र पर आक्रमण करते हो, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हो। जब आप सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस में आरएसएस के लोग भर रहे हो, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कह रहे हो, कर रहे हो। जब आप बिना किसी से पूछे नोटबंदी करते हो और हिंदुस्तान के करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलितों के, आदिवासियों की जिंदगी खत्म करते हो, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हो। जब आप अग्निवीर योजना बिना आर्मी से पूछे लागू करते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हो।
मोदी जी राजा हैं, मैं सच बोल रहा हूं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी जी राजा हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं, कैबिनेट से कुछ लेना देना नहीं, पार्लियामेंट से कुछ लेना देना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं, 21वीं सदी के वो राजा हैं। और उनके जो फाइनेंसियर्स हैं पीछे, जो दो तीन फाइनेंसियर्स हैं, वो राजा का पूरा टेम्पो वाले, वो राजा एक्चुअली, वो राजा फ्रंट है एक्चुअली, राजा के पास पावर नहीं है एक्चुअली, पावर कहीं और है। तो ये सिचुएशन है। नहीं भैया, अनपढ़ राजा भी काम चला लेता, बहुत सारे अनपढ़ राजा हुए हैं हिंदुस्तान में, जिनमें अहंकार नहीं है, जिनमें अहंकार नहीं था, वो काम चला लेंगे, जो जनता की बात सुन लेते थे। ये दूसरे टाइप के हैं, ये किसी की नहीं सुनते। अब इनका लक्ष्य है कि पब्लिक सेक्टर को खत्म करो, और जो दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के रास्ते हैं और गरीब जनरल कास्ट के जो रास्ते हैं, उनको एक एक करके खत्म करो। और इनके सारे के सारे नेता कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे, और मैं खुल के कह रहा हूं, आप रिजर्वेशन को कभी खत्म नहीं कर सकते हो। और सिर्फ ये नहीं, वो क्योंकि रिजर्वेशन 90% की आवाज है, तो रिजर्वेशन पर आक्रमण, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण, पब्लिक सेक्टर पर आक्रमण, आर्मी पर आक्रमण, फाइनेंशियल सिस्टम पर आक्रमण, क्यों? क्योंकि इनके पीछे धन है, अरबों रुपए हैं। तो ये सिचुएशन है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, आपने देखा होगा मोदी जी ने अदानी जी का, अंबानी जी का नाम ले लिया, भौंकला गए कि भैया आओ आओ मुझे बचाओ, यहां पे तो हिंदुस्तान की जनता ने घेर लिया मुझे, ये मतलब सबने घेर लिया, ये तो आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, अदानी जी अंबानी जी बचाओ मुझे। वो कैसे बचाएं? वो नहीं बचा पाएंगे, बचा तो जनता ही सकती है। मैं कल टूर के बाद गाड़ी में था, वापस जा रहा था एयरपोर्ट से, तो बातचीत चल रही थी गाड़ी में, और मैं कह रहा था कि देखिए, अलंकार और मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा देखिए रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि मैं जनता की आवाज हूं, ठीक है, मैं आप जब मैं ये कहता हूं, प्रेस वाले मतलब इसको समझते नहीं हूं, मैं एक्चुअली हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं भारत जोड़ो यात्रा में ये बात समझ गया कि मैं जनता की आवाज हूं, जनता का दर्द हूं, जनता का दुख हूं, और कुछ नहीं है, और मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो अब सवाल उठता है आगे क्या करना है। सबसे पहले जो हिंदुस्तान की सोशल रियलिटी है, और किसी का नुकसान नहीं करना, बट जो हिंदुस्तान की सोशल रियलिटी है उसको देश के सामने रखना है। किसी को चोट नहीं मारनी, किसी को धमकी नहीं देनी, ये कहना है देखिए भैया ये हिंदुस्तान की सोशल रियलिटी है, इस देश में इतने दलित हैं, इतने आदिवासी हैं,
इतने पिछड़े लोग हैं, इतने माइनॉरिटीज़ हैं, इतने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, और ये जो लोग हैं इनकी इतनी भागीदारी है, मीडिया में इतनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में इतनी भागीदारी है, जुडिशरी में इतनी, इलेक्शन कमीशन में इतनी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में इतनी। आपने नोट किया है कि सीबीआई, ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं? मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटरोगेट कर रहे थे, और मैंने उनसे बोला कि देखिए आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? मैं वहां पे इंटरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। आप मुझे कोई भी सेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहना है कि हिंदुस्तान की जनता के सामने हिंदुस्तान की रियलिटी डालनी है। और मैं बिलीव करता हूं चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर हमने रियलिटी सामने रख दी ऐसे, हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। और उसको बदलना ही होगा, क्योंकि 90% को आप चुप नहीं रख सकते, 90% की शक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो। नहीं नहीं ये बहुत सारे लोगों में, आप में भी है। और राजनीति में ना मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं आपको, एक होता है जो सुबह उठता है कहता है भैया सत्ता कैसे मिलेगी, सत्ता कैसे मिलेगी, 24 घंटा वही उसका उसकी थिंकिंग होती है। अब मेरी दूसरी प्रॉब्लम है, नहीं मैं उसके बीच में पैदा हुआ, अब अजीब सी बात है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरे लिए औजार है, वो मेरे लिए औजार है कि उसका मैं प्रयोग जनता की मदद करने के लिए कैसे करूं। वो मेरे लिए मतलब ड्रग नहीं है, नशा नहीं है। मैंने अपनी दादी की लाश देखी है, पिता की लाश देखी है। तो एक पॉलिटिकल व्यक्ति के अंदर एक पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन कभी होता ही नहीं, पूरी जिंदगी निकल जाती है, सुबह उठते हैं किसी को काटते हैं, किसी को दराते हैं, किसी से लड़ते हैं, कोई सूट पहन लेता है, कोई मतलब अलग अलग वीडियो बनाते हैं, तो उनको तो छोड़ दो। मगर फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई अब हमारे पास 15-20 साल हैं, 30 साल हैं, अब कुछ अच्छा किया जाए, कुछ दम का किया जाए।
तो पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। एक बार पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है तो फिर क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे ये करना है और कुछ नहीं करना। और मेरे माइंड में ये क्लैरिटी आ गई है कि इस देश में 90% लोगों को भागीदारी दिलवानी है, और 90% लोगों के लिए एक के बाद एक दरवाजे खोलने हैं, मीडिया में, कॉर्पोरेट इंडिया में, जुडिशरी में, सब जगह। ऐसा इंडिया, ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो ये, और ये करने में बड़ा मजा आ रहा है मुझे। 4000 किलोमीटर चल गया, पता भी नहीं लगा मुझे ये हुआ क्या। हाँ, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन से क्या होता है, या पॉलिटिकल जब क्लैरिटी आ जाती है होता क्या है। मैं 2004 से राजनीति में हूं, ठीक है। 2 साल पहले मैंने भारत जोड़ो यात्रा की, 4000 किलोमीटर चला, और मेरा जो सुनने और देखने का तरीका था वो बदल गया। नहीं, क्या करने लगा मैं, जैसे आप मेरे पास आए तो नॉर्मली जब व्यक्ति बात करता है तो वो सोचता है कि ठीक है मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं। मैं क्या करने लगा, मैं आपकी पोजीशन लेने लगा। बात समझे, मैं अपने आप को छोड़ के आपके अंदर घुस के, ये आया मेरे पास, ये क्या देख रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो वो चेंज आ गई, और बिल्कुल जो लोग बोल रहे थे उसका मतलब ही बदल गया। मतलब पहले क्या होता था, किसान आता था, बड़ी मुश्किल है, पैसा नहीं मिल रहा, भाई बीमार है, और मैं सुनता था। अब उसके बाद अब मैं क्या करता हूं, हाथ पकड़ लेता हूं, बस हाथ पकड़ लेता हूं और टाइट पकड़ लेता हूं, और कहता हूं घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तो टोटल चेंज आ जाता है, कनेक्शन बन जाता है। तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले 20 साल मैं राजनीति में था, मगर मैंने मोहब्बत शब्द कभी यूज ही नहीं किया। सबसे पावरफुल शब्द है, आप सब कहेंगे कि दुनिया में सबसे पावरफुल शब्द मोहब्बत है, करेक्ट। तो ये जो अभी इन्होंने बोला ना, वी लव यू सर, ये भारत जोड़ो यात्रा से पहले किसी ने मुझे नहीं बोला था, और मैंने भी किसी को नहीं बोला था। मतलब मां को बोला था, बहन को बोला था, मगर किसी आम जनता को या किसी से जब मैं मिले, मैंने नहीं बोला, मगर मैंने बोलना शुरू कर दिया। और अजीब सी बात हुई, अब मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली में वापस आता हूं एयरपोर्ट से, गाड़ी शीशा खोल के कहते हैं आई लव यू। तो ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में जो भी सक्सेसफुली सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा है वो मोहब्बत से लड़ा है। जो 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 सुपरस्टार हुए हैं वो मोहब्बत से लड़े हैं, वो नफरत से नहीं लड़े हैं। तो ये दो चीजें जरूरी हैं, कि सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई से पीछे नहीं टिकना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, कोई भी कॉस्ट दे दो मगर ये सच्चाई है। और आप बोलो तो रिस्पेक्ट से, प्यार से, स्ट्रेंथ से। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे देता हूं, एक बात तो मैं आपको बता देता हूं कि अब चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं।
ये 100% मैं आपको, आप चाहते हो तो मैं यहां पे लिख के आपको सबको दे दूंगा, साइन करके दे दूंगा, क्योंकि क्योंकि देखिए हुआ क्या है, देखिए मैं पॉलिटिक्स को ना, हुआ क्या है, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि नरेंद्र मोदी जी की पूरी स्ट्रेटजी भाई को भाई से लड़ाने की है और इस चुनाव में वो काम ही नहीं कर रहा है। वो मतलब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया क्या ये बोल क्या रहा है। तो वो चेंज आ गया है और आप लिख लीजिए वो अच्छा। एक बात हो सकती है, अगर पूरी चीटिंग कर दी, अगर ईवीएम लपेट लिया वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 200 180 से आगे नहीं जा रहे। अब आपके सवाल हो नहीं, देखिए मगर इसमें देखिए इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है, अगर आपने मैनिफेस्टो को देखा है वो 90% को सपोर्ट करने वाला मैनिफेस्टो है, मगर सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलना होगा, ये करना पड़ेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में भी ने भी गलतियां की हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का होता हुआ ये मैं कह रहा हूं। तो अब आपके सवाल हो आप जरूर पूछिए। एक दो सवाल एक एक करके ब्रदर, हेलो आप कहां खड़े? जस्टिस राहुल जी, मेरा सवाल आपसे है, जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी प्रधानमंत्री जी के साथ आपको वन टू वन डिबेट के लिए कहां हैं आप जी? नहीं, सवाल कहां पूछ रहे हैं? अच्छा ठीक है। हाँ मेरा सवाल ये है, जस्टिस और किस तरह साथियों ने मंत्री जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, ये ले लीजिए। हेलो जी, आप मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफ़ी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ वन टू वन डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। आदरणीय राहुल सर, और हमारे प्रेसिडेंट खारगे जी भी हैं, वो भी डिबेट कर सकते हैं। आदरणीय राहुल सर, इधर मेरा एक सवाल है। हाँ जी। इस साइड में सर, इस साइड मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर, आपकी सरकार अगर बनती है तो आप पुरानी पेंशन बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या? और आप पुरानी पेंशन बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? और आप अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन का मुद्दा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सर मेरा ये सवाल आपसे है, सभी शिक्षक कर्मचारियों, पूरे देश के शिक्षक कर्मचारियों से सवाल है आपके लिए। देखिए मैनिफेस्टो में ये हमने नहीं रखा है, बट इसको हम कंसिडर करेंगे। मैनिफेस्टो में हमने ये जो 5 गारंटीज का कॉन्सेप्ट है जी सर, उसको रखा है जी जी, बट ओपन टू कंसिडरेशन जी सर। माननीय राहुल गांधी जी, एक्सक्यूज मी, बाद में बात कर लूंगा, दो तीन और क्वेश्चन है। माननीय राहुल गांधी जी, राहुल साहब, राहुल जी, हुकूमत आपकी बनने जा रही है,
आप 85% रिजर्वेशन देंगे? सर मैं वर्तिका सिंह अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ मैं, हाँ? और राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ मैं, और सर मुझे न्याय कब मिलेगा? 5 साल से स्मृति ईरानी ने मेरे परिवार को और हम लोगों को जान से मारने की धमकी दिया। 5 साल से एक लड़की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसने देश को रिप्रेजेंट किया है उसके साथ ये अन्याय हो रहा है। मैं अकेली लड़ाई लड़ रही हूँ। आप आके मुझे डिटेल्स देख लीजिए। इतनी बार लोगों से कितनी बार रिक्वेस्ट किया सर, मुझे प्लीज आप वचन दीजिए कि आप मुझे पॉइंट आप डिटेल्स हमें दे दीजिए। मैं एग्जैक्टली केस के बारे में जानता नहीं हूँ, आप डिटेल्स मुझे दे दीजिए। राहुल जी, पूरे देश में, पूरे देश के जितने संस्थाओं का राहुल जी देश में जितने संस्थाओं का निजीकरण इधर से जितनी संस्थाओं का निजीकरण किया गया है, क्या उन संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाएगा? राष्ट्रीय क्या निजीकरण वापस करा जाएगा? जितनी संस्थाओं को मोदी जी ने बेच दिया है, क्या उस संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण होगा? नहीं, ये तो मुश्किल होगा, मगर ये जो ब्लेटेंट प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो रेलवेज का डिस्कशन चल रहा है, जो बाकी बड़ी बड़ी संस्थाओं का डिस्कशन चल रहा है, ये ब्लेटेंट प्राइवेटाइजेशन हम अलाउ नहीं करेंगे। हमारी फिलॉसफी ये है कि सरकार का एजुकेशन में, हेल्थ केयर में रोल होना चाहिए, और उस रोल को हम प्रोटेक्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। मैं समृद्ध भारत फाउंडेशन की ओर से